अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाते हैं काबुली पुलाव। तो चलिए आप उसकी रेसिपी बता। देखिए, हमने कढ़ाई कुकर गरम कर लिया है। इसमें 2 टीस्पून हम घी डाल देते हैं और इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जब घी गरम हो जाता है। तो देखिए घी गरम हो चुका है, इसमें हम ज़ीरा डाल दें 1 चम्मच, तेज़पत्ता डाल देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, लौंग डालेंगे इसमें और छोटी इलायची 2 हमने डाल दिया है। और ये जब गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज काट ली थी उसको भी हम इसमें भून लेते हैं। देखिए ये भून चुका है प्याज, ब्राउन कलर का हो चुका है। ये हमने दाल, चने की दाल थी, इसको हमने बॉयल करके गला लिया था, ये भी इसमें डाल के इसको भून लेते हैं। देखिए इस तरह से भून चुका है। इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हमने नमक डाला और 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और हमने 1 केजी चावल लिया था, उसको धो लिया था पहले से, आधा घंटा धो के रखे हुआ था। देखिए ये इसमें डाल के इसको हम 1 सीटी लगा लेंगे। चावल पहले से धो के रखने से बहुत अच्छा बनता है। और देखिए ये बनके तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा बना है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अल्लाह।